जय माता दी। आज हम जा रहे हैं माँ पंचग्रही के दर्शनों के लिए। पंचग्रही एक ऐसा वर्ड जो बना हुआ है पांच गांव, मतलब कि पांच गांव को मिलकर बनता है पंचग्रही। पंचग्रही वाली माता बसती है पहाड़ों में और आज हम जाएंगे माँ पंचग्रही के दर्शनों के लिए। लेकिन हाँ, दर्शनों के लिए जाने से पहले एक बात जरूर सुन लें, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें ताकि जिन लोगों को पंचग्रही वाली माता का नहीं पता है उन्हें भी माँ की महिमा का पता चल सके। तो चलिए चलते हैं माँ पंचग्रही के दर्शनों के लिए। फाइनली आपको जम्मू से 28 किलोमीटर का सफर तय करके जब आप अखनूर पहुंचे, तो अखनूर से ये जो रास्ता सीधा जा रहा है इसी रास्ते पर आपको जाना है सीधे, कहीं मुड़ना नहीं है बीच में। मैं आपको साथ साथ में दिखाते जा रहा हूं कौन सा रास्ता है। अब हम लोग अखनूर के मेन बाजार में पहुंचने वाले हैं। मेन बाजार से होते हुए निर्दोष चौक पहुंचेंगे और निर्दोष चौक से सीधे जोड़ियां वाले रोड पे हम जाएंगे आगे। ये पीएनबी बैंक है, यहीं पे पीएनबी बैंक के पास से होते हुए रास्ता जा रहा है। ये है हमारा मेन बाजार अखनूर का। मेन बाजार पूरा निकल के आगे आएगा निर्दोष चौक। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं निर्दोष चौक, जिसे हम फुहारा चौक के नाम से भी जानते हैं। यहीं से एक रोड राइट साइड जा रहा है जो जाता है पुंछ वाली साइड। ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ ट्रक मुड़ रहा है लेकिन हमें सीधे जाना है जो रोड जोड़ियों की तरफ जा रहा है। तो फाइनली अब ये हम सुंगल मोड़ पहुंच चुके हैं। सुंगल मोड़ से सीधे आगे जाएंगे। सीधे आगे की तरफ बढ़ते जाएं, कहीं नहीं मुड़ना है। आपको यहाँ पे दिखेगा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर। ये आपको सामने दिख रहा है सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल। ये सीधा रोड इसी को फॉलो करते रहें। सामने महावीर व्यू शॉप है। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, आपको राइट साइड टर्न लेना है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पंचग्रही वाली माता। तो अब आपको दर्शन करवाएंगे हम पंचग्रही वाली माता। ये देख लीजिए, बिल्कुल हूबहू जैसे हमारी माँ वैष्णो देवी का दरबार पहाड़ों में स्थित है, वैसे ही हमारी माँ पंचग्रही वाली का दरबार भी पहाड़ों में स्थित है। ये आप नीचे देखिए, ये नीचे जो गाँव है ये गाँव है पंचग्रही। इसी गाँव के नाम पर पंचग्रही वाली माता के मंदिर का नाम रखा गया है पंचग्रही वाली माता। ये सामने आप एंट्रेंस देख रहे हैं, इसी दरवाजे से हम लोग अंदर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और करवाते हैं आपको माता रानी के दर्शन।
तो अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे, सामने प्रवेश द्वार है। सामने आप देख रहे हैं माता रानी की गुफा। इसी गुफा से हम अंदर जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी करवाएंगे। यही है गुफा, यह है मेन द्वार गुफा का। माँ शेरावाली की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। तो आपको हम लिए जा रहे हैं अब माँ पंचग्राही वाली गुफा के अंदर, आपको कराएंगे दर्शन माता के। तो अब हम आपको लिए जा रहे हैं माता के दर्शनों के लिए। सामने पुजारी जी आप देख सकते हैं, ये माता रानी के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। आप घर बैठे ही यहाँ से मामा वैष्णो के दर्शन कर सकते हैं। ये सामने माता रानी जी के चरण हैं और सामने ही तीन पिंडियां हैं। ये प्राकृतिक रूप से पिंडियां यहाँ स्थापित हुई हैं। ये पूरे मंदिर के आप दर्शन करें अच्छी तरह। तीनों माताएं माँ लक्ष्मी, माँ भगवती और माँ अन्नपूर्णा के आप दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर की विशेषता ये, यहाँ पे पैसे वगैरह कोई नहीं चढ़ा सकते। आप फल फ्रूट हम पंडित जी यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, फल फ्रूट हम लोग यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे चढ़ाना वर्जित है। फूल लेके आ सकते हैं, फल लेके आ सकते हैं, लेकिन पैसे बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते, यहाँ पे पैसे वर्जित हैं। पंडित जी पैसे कहीं बाहर दान पत्र लगाया हुआ है या नहीं? यहाँ पे दान पत्र वगैरह भी कुछ नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे फूल और फल ही चढ़ा सकते हैं। और इस मंदिर में माँ वैष्णो की मूर्ति स्थापित की गई है और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ के मेन पुजारी जी। और ये है शिव मंदिर, शिव मंदिर के भी दर्शन आपको हम जरूर करवाएंगे। ये सामने आप शिवलिंग देख सकते हैं। ये राम परिवार भी आपको दिख रहा है, भगवान राधा कृष्ण। घर बैठे ही आप माँ पंचग्राही वाले के दर्शन कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें और एक बार आप जरूर यहाँ पे विजिट करें माता रानी के दरबार में और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप लोग भी माता रानी के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो संडे को या ट्यूसडे को आएं, क्योंकि उसी दिन श्रद्धालु और यहाँ के मुख्य पुजारी यहाँ पे रहते हैं और माता रानी से जो भी आप मनोकामना करना चाहते हैं उस दिन आप अपनी मनोकामना यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हुई है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी एक बार जरूर माँ पंचग्राही वाले के दरबार में आएं। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।